दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कमाल की जैपनीज हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है बाय लोकेशन। अब आप सब लोग जानते ही हो कि हम लोगों के हम शक्ल मौजूद होते हैं, पर क्या होगा अगर वही हम शक्ल हमारी जिंदगी को जीने लगे। ये कहानी कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में है जिनकी जिंदगी पूरी की पूरी पलट जाती है जब उनके जैसे दिखने वाले डिमोनिक लोग उनके सामने आ जाते हैं। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी और IMDb ने इसे 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। दोस्तों, इस कहानी की मिस्ट्री और ट्विस्ट आप लोगों को हिलाकर रख देगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बाय लोकेशन मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम लोगों को 19th सेंचुरी यूरोप में एक चर्च के अंदर ले जाया जाता है। वहां पे छोटे बच्चों को बाइबल से एक सिस्टर पढ़ा रही थी कि तभी एक अजीब एनर्जी जमीन में से बाहर निकलती है। वो काली शक्ति देखते ही देखते सिस्टर का रूप ले लेती है और सिस्टर की तरह हरकतें करने लगती है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। अब सीन यहाँ से प्रेजेंट के टाइम में जापान में आता है और हम लोग देखते हैं शिनोबू किरीमुरा नाम की एक लड़की को जो एक पेंटर है। वो आने वाले एक बहुत बड़े पेंटिंग कंपटीशन की तैयारी कर रही थी जिसके लिए उसने अपनी जॉब तक छोड़ दी थी। शिनोबू किरीमुरा के लिए पेंटिंग ही उसकी जिंदगी है, पर कहीं ना कहीं वो अंदर से चाहती है कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं शिनोबू की कास्ट के साथ उसका नाम ले रहा हूँ, तो आप लोग नामों को अच्छे से याद रखना, क्योंकि इस मूवी में लोगों के नाम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खैर, पेंटिंग करते वक्त उसकी बेल बजती है और बाहर आया हुआ था मासुरा ताकामुरा नाम का एक आदमी जो अभी अभी शिनोबू किरीमुरा के नीचे वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ है। मासुरा एक बहुत अच्छा लड़का है और वो पार्शली ब्लाइंड है, मतलब उसकी नजर बहुत ज्यादा कमजोर है। दोस्तों, जब शिनोबू मासुरा से मिलती है तो उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और शिनोबू मासुरा से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद शिनोबू किरीमुरा बन जाती है शिनोबू ताकामुरा और वो अपने पति के साथ उसी के अपार्टमेंट में रहने लगती है। वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा खुशहाल थी। शादी के बाद भी शिनोबू ताकामुरा पेंटिंग करना नहीं छोड़ती और उसने अपने पुराने अपार्टमेंट को खाली नहीं किया था, क्योंकि वो कभी कभी ऊपर जाकर पेंटिंग करना पसंद करती थी। शिनोबू ताकामुरा अभी भी अपने पुराने अपार्टमेंट में जाकर पेंटिंग कंपटीशन जीतने की तैयारी करती थी, क्योंकि उसके अंदर वो पेंटिंग कंपटीशन जीतने की आग लगी हुई थी। दोस्तों, शादी के बाद शिनोबू की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है जैसा कि वो चाहती थी, पर इसी के साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती है। अक्सर शिनोबू का पति मासुरा काम से घर आकर उसे बताता है कि उसने किसी लड़की को देखा जो शिनोबू की तरह दिख रही थी, पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि शिनोबू ताकामुरा अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती और ना ही उसकी कोई जुड़वा बहन है। इस बात के अगले दिन शिनोबू ताकामुरा को सुपरमार्केट के अंदर फ्रॉड के लिए पकड़ लिया जाता है। एक एम्प्लॉई शिनोबू ताकामुरा को बोलता है कि उसने कुछ ही देर पहले दुकान से कुछ खरीदारी करी थी और दोस्तों, ये बात सीसीटीवी कैमरे से साबित भी हो जाती है, पर चौंका देने वाली बात ये थी कि शिनोबू उस टाइम पर दुकान में थी ही नहीं। खैर, दुकान वाले को इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी कि शिनोबू ताकामुरा ने दो बार शॉपिंग करी। दुकान वाले को दिक्कत थी कि शिनोबू ने दोनों बार सेम सीरियल नंबर वाले नोट यूज करे जो सिर्फ फ्रॉड लोग यूज करते हैं। शिनोबू ताकामुरा को इस बात पे यकीन ही नहीं होता, पर दुकान वाला ताकाशी कानो नाम के एक डिटेक्टिव को बुलाकर शिनोबू को पकड़वा देता है। शिनोबू ताकामुरा ताकाशी को बताती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, पर ये बात ताकाशी पहले से ही जानता था कि शिनोबू निर्दोष है। ताकाशी दोनों नोटों को हाथ में पकड़ लेता है और अचानक ही एक नोट धूल में बदल जाता है। शिनोबू ये देखकर चौंक जाती है और अब ताकाशी शिनोबू को अपने साथ एक अजीब बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ पे काफी सारा अजीब सामान रखा हुआ था। शिनोबू वहां पर ताकाशी के अलावा तीन और लोगों से मिलती है जिनके नाम थे लित्सुका, ताकुमी और मायूमी।
दोस्तों ये सीक्रेट जगह असल में लित्सुका की है, जिसने उन लोगों के लिए एक सपोर्ट ग्रुप खोला हुआ है जिनके साथ बायलोकेशन की प्रॉब्लम है। बायलोकेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसे 19th सेंचुरी से दुनिया में देखा जा रहा है। बायलोकेशन एक इंसान की हूबहू कॉपी होती है और बायलोकेशन के पास उस इंसान की सारी याददाश्त भी होती है और बायलोकेशन असली इंसान की जिंदगी में भी फेर बदल कर सकती है। लित्सुका बताता है कि जो असली इंसान होता है वो बायलोकेशन से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होता, पर बायलोकेशन असली इंसान से कनेक्टेड होती है। दोस्तों ये सब कुछ शिनोबू को बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वो बोलती है कि उसने कभी भी अपनी बायलोकेशन को नहीं देखा, पर ये बात थोड़ी अजीब है क्योंकि शिनोबू ताकामुरा ने कुछ ही देर पहले सुपरमार्केट के अंदर सीसीटीवी कैमरा में खुद की बायलोकेशन को देखा था। शिनोबू ने इस बात को क्यों बोला ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा, पर अब वो वहां से भागने लगती है कि तभी उसके सामने आ जाता है उसका डेमोनिक रूप जो बहुत ही ज्यादा डरावना था। शिनोबू अपनी बायलोकेशन को देखकर कांप जाती है और दोस्तों बायलोकेशन की परछाई हमें शीशे के अंदर नहीं दिखती। वो बायलोकेशन कुछ ही देर में गायब हो जाती है और शिनोबू बुरी तरीके से डर जाती है। उस रात को मायूमी शिनोबू ताकामुरा को घर छोड़ती है और रास्ते में मायूमी उसे अपनी कहानी बताती है। हमें पता चलता है कि मायूमी का एक छोटा बेटा है जिसे एक जानलेवा बीमारी है। अपने बेटे की वजह से मायूमी ने सब कुछ छोड़ दिया था और वो बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। और फिर एक दिन हॉस्पिटल के स्टाफ को मायूमी की हम शक्ल दिखने लगी। मायूमी की बायलोकेशन अक्सर उसके बेटे को हॉस्पिटल से बाहर ले जाती थी, जिससे मायूमी बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि वो बस अपने बेटे को सुरक्षित रखना चाहती थी। मायूमी को अभी तक बिल्कुल नहीं पता है कि उसकी बायलोकेशन उसके बेटे को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती है। और तभी मायूमी का दूसरा रूप गाड़ी के बाहर आ जाता है। गाड़ी के बाहर से मायूमी चिल्लाने लगती है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरे बेटे को वापस कर दो। शिनोबू ताकामुरा ये देखकर समझ ही नहीं पाती कि कौन सी मायूमी असली है, पर वो इतना जरूर समझ जाती है कि बायलोकेशन इंसानों से उनकी सबसे प्यारी चीज छीन लेती है और शिनोबू ताकामुरा के लिए सबसे प्यारी चीज थी उसका पति। दोस्तों अब अगले दिन शिनोबू ताकामुरा से मिलने आता है तकाशी, जो उसे एक पॉकेट मिरर देता है। तकाशी बोलता है कि अब जब भी शिनोबू ताकामुरा किसी से भी मिले तो वो पहले उसे शीशे के अंदर देख ले, क्योंकि बायलोकेशन की परछाई शीशे के अंदर नहीं दिखती। इसी के साथ शिनोबू ताकामुरा को तकाशी अपनी कहानी बताता है और हमें पता चलता है कि तकाशी को अपनी कंपनी में प्रमोशन मिलने वाला था। तकाशी का चीफ उस पे हमेशा गुस्सा करता था, पर तकाशी प्रमोशन की वजह से उसे कुछ भी नहीं बोलता था। पर पता नहीं कहां से एक दिन उसकी बायलोकेशन इस दुनिया में आ गई और उसने तकाशी के चीफ पर जानलेवा हमला कर दिया। उस हमले का इल्जाम ऑब्वियसली तकाशी पे लग गया था और उसे काम से निकाल दिया गया था, और इसलिए अब वो अपनी बायलोकेशन को जान से मारना चाहता है। इसके बाद शिनोबू ताकामुरा तकाशी से मिलके घर जा रही थी कि उसे रास्ते में तकाशी की बायलोकेशन मिल जाती है। ऑब्वियसली इतनी डरावनी चीजों का पता चलने के बाद शिनोबू ताकामुरा भागती है, पर तकाशी की बायलोकेशन शिनोबू पे भी हमला कर देती है। शिनोबू बुरी तरीके से घायल हो जाती है, पर असली तकाशी शिनोबू को सही टाइम पर आके बचा लेता है। तकाशी अपनी बायलोकेशन से लड़ने लगता है और इस सीन से एक बात साफ हो जाती है कि अगर असली इंसान को चोट लगेगी तो बायलोकेशन को भी अपने आप चोट लग जाएगी, और अगर असली इंसान मारा जाएगा तो बायलोकेशन गायब हो जाएगी। पर दोस्तों अगर बायलोकेशन को चोट लगेगी तो असली इंसान को कुछ भी नहीं होगा। अब इस लड़ाई झगड़े के बाद शिनोबू ताकामुरा घर पहुंचती है और ऑब्वियसली उसका पार्शली ब्लाइंड पति उसकी चोटों को देख नहीं पाता। पर अब शिनोबू ताकामुरा को डर था कि कहीं उसकी बायलोकेशन मासूरा को कोई चोट ना पहुंचा दे, और इसलिए वो फैसला करती है लित्सुका के क्लब को ज्वाइन करने का। अगले दिन शिनोबू ताकामुरा जाकर क्लब को ज्वाइन कर लेती है और आज एक नया आदमी क्लब में आया था जिसका नाम था कगामी।
लित्सुका अब शिनोबू ताकामुरा को बोलता है कि उसे क्लब के किसी भी मेंबर से बात करने से पहले क्लब के सारे लोगों का नाम लेना होगा ताकि कंफर्म हो जाए कि वो एक रियल इंसान है ना कि बायलोकेशन। दोस्तों आप लोग शिनोबू ताकामुरा के क्लब मेंबर्स का नाम याद रखना जो है ताकाशी, लित्सुका, मायूमी, ताकुमी और कागामी। अब शिनोबू ताकामुरा पूछती है कि ताकाशी की बायलोकेशन नॉर्मल लोगों पे हमला क्यों कर रही है, जिसके जवाब में लित्सुका बताता है कि बायलोकेशन एक इंसान के स्ट्रॉन्ग इमोशन की वजह से दुनिया में आती है, जैसे गुस्सा, प्यार, दुख एक्सेट्रा, और ताकाशी की बायलोकेशन उसके गुस्से का एक रूप है। हमें पता चलता है कि ताकाशी के मन में अपने चीफ के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा था जिसने उसकी बायलोकेशन को जन्म दिया था, और उस बायलोकेशन ने चीफ को मारकर वो सारा गुस्सा निकाल दिया था। इस सब के बाद लित्सुका कुछ और बातें बताता है, जैसे कि बायलोकेशन अपने असली इंसान से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे रह सकती है और बायलोकेशन कभी भी गायब होकर कभी भी सामने आ सकती है। हमें ये भी पता चलता है कि कागामी की कोई बायलोकेशन नहीं है और वो बस क्लब के अंदर इसलिए ही है क्योंकि वो बायलोकेशन के ऊपर पढ़ाई कर रहा है, और इसी सेम तरह लित्सुका की बायलोकेशन भी नहीं है पर उसने इस क्लब को बनाया है क्योंकि उसकी पत्नी की बायलोकेशन थी और वो अब मर चुकी है। शिनोबू ताकामुरा ये सारी बातें जानने के बाद डरी हुई हालत में घर पहुंचती है, पर वो अपने पति के साथ हमेशा खुश रहती है और उन दोनों का रिश्ता ही शिनोबू ताकामुरा को इस मुश्किल घड़ी में हौसला दे रहा है। खैर इसके बाद शिनोबू ताकामुरा को न्यूज पे पता चलता है कि ताकाशी की बायलोकेशन पूरी तरीके से पागल हो गई है और मासूम लोगों को मार रही है। क्लब के लोग मीटिंग बुलाते हैं और अब बेचारे असली ताकाशी की लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद सब लोग फैसला करते हैं ताकाशी की बायलोकेशन को मारने का। वो लोग एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे ताकाशी की बायलोकेशन जल्दी ही आ जाएगी। बायलोकेशन वहाँ पे जैसे ही आती है वो सारे के सारे लोग बायलोकेशन को मारने पे तुल जाते हैं, पर बायलोकेशन सारे हमलों से बार बार बचती रहती है। उस लड़ाई की भगदड़ में दोनों ताकाशी मिक्स हो जाते हैं और एंड में किसी को समझ नहीं आता कि कौन सा असली ताकाशी है और कौन सा नकली। एंड में ताकुमी लित्सुका के कहने पे एक ताकाशी को गोली मार देता है और सबको लगता है कि उन्होंने बायलोकेशन को मार दिया, पर वो सब गलत थे क्योंकि उन्होंने असली ताकाशी को मार दिया था। असली ताकाशी के मरने के बाद उसकी बायलोकेशन भी गायब हो जाती है और सब लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है। शिनोबू ताकामुरा को ये बात हजम ही नहीं होती कि उन्होंने एक असली इंसान को मार दिया है, और इस हादसे के बाद सारे के सारे लोग अपनी बायलोकेशन से और ज्यादा डरने लगते हैं। शिनोबू ताकामुरा पूरी तरीके से अब टूटने लगी थी और उसका पेंटिंग में भी दिल नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ मायूमी अपने बेटे को एक छोटा शीशा दे देती है और समझाती है कि अगर मैं तुम्हारे पास आऊं पर मेरी परछाई शीशे के अंदर ना दिखे तो मेरे साथ कहीं भी मत जाना, क्योंकि वो असली मायूमी नहीं होगी। इस सब के बाद ताकुमी की बायलोकेशन कॉलेज में उस पे हमला कर देती है और वो खुद को एक कमरे में लॉक कर लित्सुका को फोन करके सब कुछ बताता है कि उसकी जान खतरे में है। दोस्तों यहाँ पे जब ताकुमी अपनी पहचान साबित करने के लिए क्लब मेंबर्स के नाम लेता है तो वो कागामी का नाम नहीं लेता, पर क्यों ये एंड में हमें पता चलेगा। खैर लित्सुका ताकामी को बोलता है कि वो अपनी बायलोकेशन से लड़ाई ना करे, पर जब लड़ाई होती है तो बायलोकेशन खिड़की से नीचे गिरकर गायब हो जाती है। दूसरी तरफ शिनोबू को भी लगता है कि उसकी बायलोकेशन उसके पीछे है। वो डरकर दरवाजा लॉक कर लेती है और लित्सुका से फोन पे बात करते वक्त शिनोबू भी कागामी का नाम नहीं लेती। इस सीन में शिनोबू का पीछा कौन कर रहा था ये हमें नहीं दिखाया जाता, पर शिनोबू को लगता है कि ये उसकी बायलोकेशन का ही काम था। अगले सीन में हॉस्पिटल में मायूमी को अपना दूसरा रूप दिखाई देता है और वो अपने बेटे को लेकर भागती है, पर तभी उसका बेटा चिल्लाता है, मेरा हाथ छोड़ दो, तुम मेरी असली माँ नहीं हो। यहाँ पे अब मायूमी को याद आता है कि उसके पास्ट में क्या हुआ था। हमें पता चलता है कि अपने बेटे से परेशान होकर मायूमी इतना ज्यादा दुखी थी कि उसने एक पल के लिए सोचा कि काश उसका बेटा मर जाए।
उसने अपने बेटे को मारने की कोशिश भी करी थी पर वो ऐसा कर नहीं पाई थी और उस दिन मायूमी ने कसम खाई थी कि वो अपने बेटे को हर हाल में प्रोटेक्ट करेगी। उसी इमोशन की वजह से मायूमी की बायोलोकेशन पैदा हुई थी और बायोलोकेशन बस अपने बेटे को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी पर उसे पता ही नहीं था कि वो एक बायोलोकेशन है। जी हाँ दोस्तों, मायूमी की बायोलोकेशन को आज तक लग रहा था कि वो एक असली इंसान है और आज उसे हॉस्पिटल में पता चल गया कि वो असली नहीं है। मायूमी की बायोलोकेशन इस बात से डर के भाग जाती है और क्लोजेट में फूट फूट कर रोने लगती है। यहाँ से सीन जाता है असली मायूमी पे जो ताकुमी और शिनोबू ताकामुरा के साथ थी और अब ताकुमी को लित्सुका पे गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि लित्सुका उन लोगों की मदद करने की बजाय उन्हें और ज्यादा इस सिचुएशन में फंसा रहा है। ताकुमी अब लित्सुका को सबक सिखाना चाहता था कि तभी उसका दूसरा रूप आकर उस पे हमला कर देता है। एक बार फिर से असली और नकली के बीच में कंफ्यूजन हो जाती है और मायूमी और शिनोबू ताकामुरा वहां से भाग जाती है। भागते भागते मायूमी का सामना अपनी बायोलोकेशन से होता है जो मायूमी को बड़ी ही बेरहमी से सड़क पे ही चाकू से भौंक भौंक कर मार डालती है, वो भी शिनोबू ताकामुरा के सामने। मायूमी की बायोलोकेशन अब जिंदा नहीं रहना चाहती थी और इसलिए ही वो असली मायूमी को मारकर खुद को भी आजाद कर देती है क्योंकि असली मायूमी अगर मर जाएगी तो बायोलोकेशन भी गायब हो जाएगी। और ये सब देखने के बाद शिनोबू ताकामुरा पूरी तरीके से कांप जाती है। वो रोते डरते घबराते हुए घर पहुंचती है क्योंकि अब उसे खुद ये नहीं पता था कि वो एक असली इंसान है या फिर बायोलोकेशन। इस सच्चाई का पता लगाने के लिए वो हिम्मत करके खुद को शीशे के अंदर देखती है और उसे अपनी परछाई दिखाई देती है और शिनोबू ताकामुरा को यकीन हो जाता है कि वो एक असली इंसान है। अगले दिन शिनोबू ताकामुरा क्लब में जाती है और सारा गुस्सा लित्सुका पे निकाल देती है क्योंकि वो लोगों को बचाने की बजाय और ज्यादा उन्हें सिचुएशन में फंसा रहा था। लित्सुका बोलता है कि वो बस शिनोबू ताकामुरा को बचाना चाहता है और फिर वो वहां से चले जाता है। लित्सुका के जाने के बाद कागामी बोलता है कि अगर शिनोबू ताकामुरा को पेंटिंग या फिर उसके पति मासुरा में से किसी एक को चुनना हो तो वो किसे चुनेगी। शिनोबू थोड़ा सोचती है और वो मासुरा का नाम लेती है क्योंकि वो अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ सकती थी। ये सुनने के बाद कागामी अगले दिन शिनोबू ताकामुरा को लेकर जाता है एक केयर सेंटर में जहाँ पे लित्सुका अपनी बीवी से मिला था और अब यहाँ से सच्चाई सामने आना शुरू होगी। कागामी अब बताता है कि ये केयर सेंटर लित्सुका की फैमिली का ही है और इसी जगह पे लित्सुका सायुरी नाम की एक लड़की से मिला था। सायुरी और लित्सुका ने शादी करी थी और वो दोनों 10 साल तक शादीशुदा रहे थे। अब कागामी शिनोबू ताकामुरा को सायुरी की दो अलग अलग कब्रें दिखाता है जिससे वो कंफ्यूज हो जाती है। कागामी बताता है कि सायुरी इस केयर सेंटर के अंदर एक पेशेंट भी थी जो 25 साल तक इस केयर सेंटर के अंदर रह रही थी और लित्सुका को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी क्योंकि उसे प्यार असली सायुरी से नहीं हुआ था, उसे प्यार हुआ था सायुरी की बायोलोकेशन से। दोस्तों इतना ही नहीं, सायुरी की बायोलोकेशन भी नहीं जानती थी कि वो एक असली इंसान नहीं है और शादी के 10 साल बाद एक दिन असली सायुरी ने खुदकुशी कर ली थी जिसकी वजह से बायोलोकेशन यानी कि लित्सुका की बीवी भी गायब हो गई थी। उस हादसे के बाद से लित्सुका ने फैसला किया कि वो उन लोगों की मदद करेगा जो बायोलोकेशन का शिकार है और इसलिए उसने वो क्लब बनाया था। ये कहानी सुनने के बाद कागामी बोलता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ पर फिर भी मैं एक क्लब का मेंबर हूँ, पर ऐसा क्यों है? इस बात का जवाब कागामी शिनोबू ताकामुरा को सोचने के लिए बोलता है पर सोचते सोचते शिनोबू ताकामुरा वहां से चले जाती है और एक दूसरी शिनोबू कागामी से मिलने आती है। पर दोस्तों ये दूसरी शिनोबू कागामी को जानती ही नहीं थी। कागामी शिनोबू को बोलता है कि उसे अपनी बायोलोकेशन से डरने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद कागामी शिनोबू को वापस घर जाने के लिए बोलता है। पर अब यहाँ पे खुलता है मूवी का सबसे बड़ा राज।
घर पे हम लोग देखते हैं शिनोबु ताकामुरा को, जिसे अपने अपार्टमेंट से कुछ आवाजें आती है और वो जब जाकर चेक करती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो देखती है अपने दूसरे रूप को जो उसके पुराने अपार्टमेंट में नॉर्मल लाइफ जी रही थी। ये देखकर शिनोबु ताकामुरा बुरी तरीके से चौंक जाती है और वो तुरंत जाती है क्लब में, और लित्सुका समझ जाता है कि शिनोबु ताकामुरा को सच्चाई पता चल गई है। शिनोबु ताकामुरा पूछती है कि उसके अपार्टमेंट में कौन लड़की रह रही है, और लित्सुका बताता है कि वो है शिनोबु किरीमुरा और वो भी बायोलोकेशन के बारे में सब कुछ जानती है। शिनोबु ताकामुरा कंफ्यूज हो जाती है, पर अब उसे पता चलता है कि लित्सुका के पास एक नहीं दो क्लब है। एक है रेड रूम क्लब जो इंसानों के लिए है, और एक है ग्रीन रूम क्लब जो बायोलोकेशन के लिए है, और कागामी सिर्फ और सिर्फ ग्रीन रूम क्लब का मेंबर है ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर कोई रेड रूम क्लब वाला मेंबर फोन करेगा तो वो कागामी का नाम ग्रुप मेंबर्स में नहीं लेगा, और इसलिए ही मूवी में कई बार लोगों ने फोन पर कागामी का नाम नहीं लिया था। रेड रूम क्लब वाले लोग सारे के सारे इंसान हैं और वो कागामी को नहीं जानते, और यही एक रास्ता था जिससे लित्सुकी ओरिजिनल और फेक के बीच में डिफरेंस बता सकता था। लित्सुकी बताता है कि शिनोबु ताकामुरा एक बाय लोकेशन है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी की पूरी मूवी शिनोबु की बाय लोकेशन के बारे में थी, और लित्सुकी ये भी समझाता है कि बाय लोकेशन अपनी परछाई शीशे में देख सकते हैं, और यही रीजन था कि शिनोबु ताकामुरा को अपनी रिफ्लेक्शन शीशे में दिखाई दी थी जबकि वो वहां पर थी ही नहीं। शिनोबु ताकामुरा को जैसे ही ये सब समझ आता है उसके होश बुरी तरीके से उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि वो एक असली इंसान है। वो बेचारी घबरा कर नीचे गिर जाती है, और लित्सुकी बताता है कि बायोलोकेशन भी इंसानों जैसी फीलिंग्स रखते हैं, और इसलिए वो इंसानों और बायोलोकेशन दोनों की ही मदद करना चाहता है, क्योंकि आखिरकार लित्सुकी ने भी एक बायोलोकेशन से प्यार किया था। शिनोबु ताकामुरा को समझ आ जाता है कि उसका पति एक बायोलोकेशन से प्यार करता है, और असली इंसान यानी कि शिनोबु किरीमुरा अभी तक पुराने घर में रह रही है। शिनोबु ताकामुरा का दिल टुकड़ों में टूट जाता है और वो गायब होकर वापस घर पहुंच जाती है, जहाँ पे मासारू उसके लिए एक डायमंड रिंग लेकर आया था। दोस्तों, अब मैं भी यहाँ पे बता देता हूँ कि इस पूरी वीडियो में जब भी असली शिनोबु आई है तो मैंने उसका नाम शिनोबु ताकामुरा नहीं लिया, मैंने उसका नाम सिर्फ शिनोबु लिया है। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप लोग वीडियो फिर से देख सकते हो, और जहाँ भी असली शिनोबु आएगी तो मैं उसे सिर्फ शिनोबु कह के बुलाऊंगा। अब ये सारी सच्चाई शिनोबु ताकामुरा को तो पता चल गई थी, पर अब बारी है शिनोबु किरीमुरा की, जो अगले दिन कागामी के साथ पहुंचती है पेंटिंग कॉम्पिटिशन में, क्योंकि उसे पता चला था कि वो जीत गई है। एग्जीबिशन के अंदर शिनोबु किरीमुरा को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जो पेंटिंग जीती थी वो उसने नहीं शिनोबु ताकामुरा ने बनाई थी। शिनोबु किरीमुरा भी अब बुरी तरीके से टूट जाती है जब उसके सामने उसकी बायोलोकेशन स्टेज पे जाकर अवार्ड लेती है, और कागामी सारी कहानी अब शिनोबु किरीमुरा को भी समझाता है। दोस्तों, अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि शिनोबु किरीमुरा जब पेंटिंग बना रही थी मूवी की शुरुआत में, तो उसने मासूरा के लिए गेट नहीं खोला था क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी थी, पर क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि उसकी एक नॉर्मल लाइफ हो, तो इसलिए उसकी एक बाय लोकेशन बन गई थी। शिनोबु किरीमुरा की बाय लोकेशन ने ही गेट को खोला था, और बाय लोकेशन ने ही शादी करी थी, जबकि जो असली शिनोबु है वो तो मासूरा को जानती भी नहीं है। यहाँ से सीन जाता है और हमें दिखाते हैं ताकुमी और उसकी बाय लोकेशन को, और वो दोनों अब एक दूसरे से समझौता कर चुके हैं, क्योंकि उन दोनों को ही लित्सुकी से बदला लेना था। और फिर इस सीन में वो दोनों ही ताकुमी लित्सुकी को मार डालते हैं। इस पूरी कहानी के बाद अब फाइनली शिनोबु ताकामुरा का शिनोबु किरीमुरा से सामना करवाया जाता है, और अब शिनोबु ताकामुरा जो बाय लोकेशन है वो बस अपने पति की खुशी चाहती थी, और इसलिए वो अपनी पूरी जिंदगी किरीमुरा को देने के लिए रेडी थी। ताकामुरा किरीमुरा को मसारू से शादी करने के लिए बोलती है, पर किरीमुरा एक ऐसे आदमी से शादी कैसे कर सकती है जिसे वो जानती भी नहीं।
ताकामुरा बोलती है कि उसे बस अपने पति की खुशी चाहिए और वो रास्ते से हट जाएगी ताकि किरीमुरा अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। किरीमुरा बोलती है कि वो इस बारे में सोचकर बताएगी और वो दोनों ही इसके बाद घर चले जाती है। घर पर जाकर शिनोबु ताकामुरा अपने पति के साथ खुश थी, पर किरीमुरा बिल्कुल अकेली थी। ना ही उस पे एक नॉर्मल लाइफ थी और ना ही वो कॉम्पिटिशन जीत पाई थी। वो बिल्कुल होपलेस हो जाती है और वही दूसरी तरफ ताकामुरा अपने पति के साथ सेलिब्रेट कर रही थी कि तभी ताकामुरा को किरीमुरा का दर्द फील होने लगता है। ताकामुरा समझ जाती है कि किरीमुरा बहुत ज्यादा दुखी है और तभी किरीमुरा ऊपर से कूदकर खुदकुशी कर लेती है। ताकामुरा समझ जाती है कि अब वो भी गायब हो जाएगी और वो अपने पति को बोलती है कि सिर्फ एक बात सच है और वो ये है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और फिर ताकामुरा गायब हो जाती है। दोस्तों, मूवी को यहीं पे खत्म कर दिया जाता है, पर इस मूवी की एक अल्टरनेट एंडिंग भी है जिसमें ताकामुरा किरीमुरा के मरने के बाद गायब नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, वो बाय लोकेशन एक इंसान में बदल जाती है। इस बात का रीजन हमें बताया जाता है कि ताकामुरा प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसकी वजह से वो एक इंसान में बदल गई और उसने अपनी जिंदगी मासूरा के साथ खुशी खुशी बिताई। तो आप लोगों को कौन सी एंडिंग अच्छी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ये थी एक्सप्लेनेशन बाय लोकेशन मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, स्नैपचैट का लिंक और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।